हेलो, आज हम लोग वेक्टर का थर्ड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और कल तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है अभी भैया? जैसे हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा है, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल और ये सब जो भी है, इन सब के बारे में हम लोगों ने अपना ज्ञान बढ़ाया है। फिर हमने इक्वालिटी देखा था, अपोजिट वेक्टर देखा था। अब हम लोग उस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे अ वेक्टर कैन बी चेंज्ड, बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड को लेंथ के हिसाब से लिखा जाता है, मतलब जो आपका वेक्टर है एरो के रूप में लिखा हुआ, अगर आप उसकी लंबाई बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। फिर अ वेक्टर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एरो के टर्म्स में लिखा जाए तो एरो का होगा कि भाई हाँ मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ एरो, ये रोटेटिंग एरो बाय एन एंगल विच इज नॉट अ मल्टीपल नॉट आर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। जैसे कोई भी आप एरो है उसको 360 डिग्री या उसके इंटीग्रल मल्टीपल से घुमाएंगे तो जहां रहेगा वहीं आ जाएगा, है ना? तो और तीसरा बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों में अंतर कर दीजिए तब भी मामला हो जाएगा ऐसा। फिर अगला स्टेटमेंट है कि अ वेक्टर इज केप्ट अनचेंज्ड इन केस ऑफ अ वेक्टर इज केप्ट अनचेंज्ड इन केस ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग। अगर आप किसी एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो पैरेलली शिफ्ट करने से क्या होगा? ना तो हम इसका मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं, ना डायरेक्शन बदल रहे हैं, तो ये जो वेक्टर होगा अपना वो अनचेंज रहेगा। और अगर ये अनचेंज रहेगा तो अपना फायदा ही है, कोई समस्या थोड़ा ना। तो ये सब बातों का
तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को बदल सकते हैं। और नीचे वाला तरीका अगर आपको वेक्टर को नहीं बदलना है तो है, तो बस यही सिंपल सा काम करना है। अब इसको मिटा दिया जाए और थोड़ा वेक्टर्स को जोड़ने घटाने का प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाए। बहुत समय से आप लोग भी बिना सवाल वाल किए हुए बड़ा बेचैन चल रहे होंगे। और अर्पित तुमने लिख लिया इसको, तो इसको मिटा देना चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टेल ऑफ द वेक्टर्स। दो वेक्टर होंगे जो अपने, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, टेल के बीच में, मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर, तो इन दोनों के टेल के बीच में भी तो दो एंगल बन सकते हैं ना? दो एंगल कौन कौन से? थीटा, एक 360 माइनस थीटा, क्या उससे ज्यादा कम भी हो सकता है, चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे मान लो थीटा ये निश्चित रूप से स्मॉलेस्ट है, 360 माइनस बड़ा एंगल हुआ। यस, और 360 प्लस 360 माइनस थीटा भी तो हो सकता है। अरे 360 घूमूंगा तो फिर वही पहुंच जाऊंगा। यस, फिर आप कहोगे कि दो बार 360 क्यों नहीं जोड़ सकते भाई? यस, तो ऐसे करके तो मैं कितना हूं बार लिख सकता हूं ना इसको। यस, तो बड़ा होने के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने यूनिक रखने के लिए क्या किया है, यूज किया है स्मॉलेस्ट एंगल, ताकि जो भी अपना रिजल्ट रहे वो यूनिक रहे। अगर आप बड़े एंगल के लिए जाएंगे तो आप कोई भी एंगल तक पहुंच सकते हैं, तो उसको हम लोगों को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो छोटा वाला जो सबसे एंगल होगा उसी एंगल को हम लोग सिर्फ ध्यान में रखेंगे, बाकी सब हमारे लिए बेमाने हैं।
तो ये ठीक है अपना स्मॉलेस्ट वाला ले लेना है। चलिए कुछ सवाल किया जाए पहले, तो फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स सबसे पहला वेक्टर ए वेक्टर बी ये वाला एंगल 240 डिग्री दिया होगा। सेकेंड वेक्टर ए वेक्टर बी ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। थर्ड में ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। फोर्थ में वेक्टर एबीसी को ऐसे मार्क किया गया है और ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिफ्थ में भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। ए बी सी सिक्स्थ में ए है इसकी लंबाई है 3 इसकी लंबाई 4 है इसकी लंबाई 5 है। ये बी है और इस सबका एंगल पता करके आप लोग बताइए पहले तत्पश्चात आगे बढ़ा जाए। 6 नंबर लिख लीजिए आराम से। हो गया बहुत अच्छा बात है। और फिर तुम्हारा होगा कि नहीं अभी कर रहे हैं करिए। बस सिंपल सा ये बात सोचना है कि दो इसमें वो बना बना एरो हेड नहीं बना होगा कैसे पता चलेगा कि कौन हेड है कौन टेल है।
वेक्टर्स को हेड टू टेल जो डिफाइन करते हैं, हेड टू हेड भी मैं डिफाइन कर सकता हूं। वो स्टैंडर्ड है अपना, आखिर तो हेड को भी आगे बढ़ाओगे तो वो टेल ही बन जाएगा, तो जो स्टैंडर्ड है बस उसको अपन फॉलो कर रहे हैं। और क्या, जैसे इसका आंसर आया होगा ये छोटा वाला एंगल लेंगे 120 डिग्री, इसमें क्या करना है इसको आगे बढ़ाने का, तो ये छोटा वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, यही आंसर है। यहाँ पे दोनों को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जो तरीका है बनाने का वो यही है कि भाई दोनों टेल के बीच का एंगल देखना है 45 डिग्री। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा दो टेल के बीच का। यहाँ पे भी आप इसको आगे बढ़ाओगे 120 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर ही रहते हैं, 120 डिग्री तीनों के लिए सही आंसर है। यहाँ पे ऑलरेडी एक एंगल दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का 60 डिग्री, क्योंकि दो टेल के बीच का एंगल है। यहाँ आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये है 60 डिग्री, और यहाँ पे भी दो हेड मिल रहे हैं तो उनको दो टेल में कन्वर्ट करने का, क्योंकि पीछे वाले एंगल 60 डिग्री है। तो ये एंगल है 90 डिग्री के बराबर, ये एंगल है ए और बी के बीच का, चला ये वाला एंगल कितना आता है 53 डिग्री का, और ये आता है 37 डिग्री का, तो ये हो जाएगा अपना 180 माइनस 53 डिग्री, जितना भी होता हो 127 डिग्री सही है, और ये हो जाएगा अपना 37 डिग्री। तो इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है, आ ही रहा है। तो ये अपने 6 सवाल हैं। इस तरीके से कभी भी एंगल देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं और एंगल देख के बता सकते हैं कि क्या मामला रहेगा। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो जाएगा मामला ऐसा हमारा। अब हम लोगों को आगे देखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग दो तीन तरीका पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला होता है ट्रायंगल, क्या करता है ये ट्रायंगल लॉ कि भाई इन दिस लॉ सेकेंड एडिंग वेक्टर इज केप्ट इन सच अ वे दैट its tail meets head of the first adding vector and resultant of these two vectors and resultant of these two vectors is a vector which joins tail of first vector
विद बेड ऑफ सेकंड वेक्टर। शब्दों के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे लिख लेना है, और ऐसे प्रैक्टिस में बहुत ही सिंपल है। मान लो ए वेक्टर अपना फर्स्ट एडिंग वेक्टर, तो अगर हम लोगों को यहां से शुरू करते हैं, ए हमारा फर्स्ट एडिंग वेक्टर है और इसके साथ हम लोगों को बी वेक्टर को जोड़ना है। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट एडिंग वेक्टर, ये सेकंड एडिंग वेक्टर, ये दोनों मिलके वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी। आप चाहो तो अभी भी ये एंगल थीटा रख सकते हो। तो इन दोनों को ऐसे ही ऐड किया गया जैसा मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, पहले एडिंग वेक्टर के हेड पे दूसरे एडिंग वेक्टर के टेल को पहले प्लेस करना है, और रिजल्टेंट क्या होगा, तो जो ए से बी के मतलब पहले के टेल से दूसरे के हेड को जो जोड़ेगा उसी को रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। तो बस ऐसे इसको लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसके गुण दोष के बारे में बात विचार किया जाएगा। हो गया, इसमें समझने में कोई समस्या तो नहीं है, सिंपल ही है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों को जोड़ दिया। तो भाई अब इसमें जैसे है, इसके रिजल्टेंट का पता आप कैसे लगाओगे, तो आप कहोगे ना कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना होगा, एक स्केल लेना होगा और उस स्केल की मदद से आप इसकी लंबाई नाप लो, तो जो इसकी लंबाई आएगी वो लंबाई के प्रोपोर्शन में हम लोग देख लेंगे कि कितना होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये है 10 न्यूटन का और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये 20 न्यूटन का, इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी जो भी लंबाई आएगी उस लंबाई को हम लोग लिख लेंगे ना कि भाई 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 न्यूटन होता था, तो अभी जितना सेंटीमीटर होगा उतना न्यूटन बता देंगे, है ना, वैसा बता दिया जाएगा। दूसरा, इसका जो भी रिजल्टेंट का एंगल है वो एंगल को भी हम लोग सीधे नहीं पता कर सकते, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे भाई, वो जो डी आता है अपना चांद नापने वाला, उससे यहां पे लगाएंगे डी को और देख लेंगे कि कितना एंगल हुआ, एंगल का भी पता चल जाएगा। तो ये वाले में समस्या क्या है कि मैथमेटिकली आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंपली क्या करना होगा, हर बार लेंथ निकालना है, आपको जरूरत पड़ेगी स्केल की, एंगल निकालना है, आपको जरूरत पड़ेगी डी की, तो फिर आप मैथमेटिकली अगर इसमें कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्या फायदा, है ना। इसीलिए इसका इतना ज्यादा उपयोग ना करके आगे वाले लॉ का हम लोग और ज्यादा उपयोग करते हैं, और वो वाला लॉ कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ। तो चलो इसको पूरा ही लिखते हैं, पूरा लिखने का भी अपना अलग आनंद है। तो ये अपना अगला लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ।
पैरेललोग्राम लॉ में हम लोगों को दो तीन छोटे बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहला ये कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी पुट एडिंग वेक्टर्स एज साइड्स ऑफ अ पैरालेलो साइड्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम एंड डायगोनल ऑफ द पैरालेलोग्राम represents resultant। तो कैसे इसको किया जाएगा? मान लो ये वाला अपना सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पे एक वेक्टर हो गया ये वाला। इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए मान लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। दूसरा वेक्टर को क्या करना है? इसी के साइड में रखना है। ये वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, इस वेक्टर के जैसा एक वेक्टर यहां भी बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। और एक वेक्टर चाहे तो हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ए वेक्टर है, ये बी है, फिर ये बी है, ये ए है। अब आप चाहो तो ट्रायंगल लॉ की मदद से, चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ की मदद से कैसे भी लिख सकते हो कि भाई ये वाला जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट आर को रिप्रेजेंट करता है। तो आर की वैल्यू तो ए प्लस बी के बराबर है, कोई समस्या नहीं है। यहां से हम लोगों को एक और फायदा मिलता है, ये वाला एंगल थीटा है तो आप इस एंगल को भी थीटा लिख सकते हैं। yes। और फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। yes। निकाल लेंगे आप लोग। डायरेक्शन निकालना है वो भी ये वाला एंगल अल्फा आप लोग अब निकाल लेंगे मैथमेटिकली। खैर फिर भी मैं भी एक बार इसको ट्राई करता हूं। जैसे मान लो हम इसका नाम रखते हैं O, इसका नाम M, इसका नाम N, इसका नाम P। तो O, M, N, P ऐसे नाम रख दिया है और नाम रख के हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलो इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो उसके लिए पहले कुछ शब्दों में लिखना होगा। ऐसा लिखेंगे हम लोग कि भाई Let us consider two लाइट चली गई है तो थोड़ा सा रुक जाया जाए, आएगा ही नहीं कुछ भी हो जाता।
क्या भाई? तो आप लोगों ने लिखा होगा, टाइप भी आई गई है कि लेट अस कंसीडर टू एडिंग वेक्टर्स ए एंड बी विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर विद एंगल थीटा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टेकन एज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। फिर अगला काम हम लोगों को क्या करना है? पीएन की लंबाई कितनी होगी? तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल पीएनएम, ट्रायंगल पीएनएम में अगर लिखा जाए पीएनबी साइन थीटा, चलो साइन थीटा इक्वल टू और पेंडिकुलर पीएन डिवाइडेड बाय पीएम, तो साइन थीटा इक्वल टू पीएन डिवाइडेड बाय बी, पीएन इक्वल टू बी साइन थीटा। फिर इसी सेम ट्रायंगल में PNM cos theta equal to MN by PM, MN by PM cos theta equal to MN की वैल्यू MN ही है, PM है P, तो फिर MN इक्वल टू डी कॉस थीटा, ये अपना हो जाएगा बी साइन थीटा ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। इसकी लंबाई ए के बराबर है ना, तो इसको पहले लिख लीजिए, बालक लिख रहा है हो गया, तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ ओपीएन में पाइथागोरस लगाया जाएगा, एकदम सही बात कह रहे हो आप, तो चलो लगा दिया जाए, इंतजार फिर किसका है, इसको मिटा देते हैं। इन ट्रायंगल ओएनटी ओएनटी में हम लोग आराम से कह सकते हैं कि भाई एंगल ओएनपी इज अ राइट एंगल,
क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हम लोगों ने कुछ बनाया है। तो अगर ये एक राइट एंगल है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ओपी स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस का काम कर रहा है इक्वल टू ओएन स्क्वायर प्लस एनपी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओएन को एक ओएम प्लस एमएन का स्क्वायर प्लस एनपी का स्क्वायर। ओपी के बदले आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आर की वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कॉस थीटा। ये अपने रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड। है ना? तो इस बात में तो आप लोगों को कोई समस्या की बात नहीं है। अच्छा है, एक और काम लगे हाथ कर लिया जाए। हाँ, ये जो रिजल्टेंट का एंगल है वो पता करने के लिए इन ट्रायंगल ओएमपी अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं टेन अल्फा थीटा। हाँ, पीएन परपेंडिकुलर बाय बेस ओएन। तो टेन अल्फा हो जाएगा पीएन डिवाइडेड बाय ओएम के बदले ओएम प्लस एमएम। तो फिर टेन अल्फा होगा पीएम के बदले बी साइन थीटा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस बाई ए प्लस बी कॉस। तो ये अपना एंगल बिटवीन रिजल्टेंट और वन ऑफ द एडिंग वेक्टर्स है ना? तो अर्पित, इसमें कोई समस्या तो नहीं है? तो लिख लो। समस्या का नहीं होना तो बहुत अच्छी बात है। टेन बीटा के लिए रिवर्स कर देंगे बी को से। टेन बीटा के लिए तो बीटा बीटा क्या निकालेंगे भाई? एक निकाल लिया हमने एंगल बहुत है। मतलब जब एक ही एंगल से काम चल रहा है। अब आपने कभी देखा है कि कोई एक आदमी का एक कोई मशहूर नाम होता है ना, तो ऐसा थोड़ा है कि उसका परिचय देने के लिए अब बचपन से लेके अभी तक उसके जितने नाम रखे गए होंगे किसी ने रख दिया होगा तो सारे नाम थोड़े बताए जाते हैं। जो एक प्रसिद्ध नाम है वो बता के काम खत्म। वैसे ही यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध एंगल यही वाला एंगल अल्फा है, तो हमें बस इसके बारे में जानकारी लेनी है, बाकी सब हमारे लिए गैर जरूरी मुद्दे हैं, तो उनके बारे में हम लोग इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। चल रहा है जैसे चल रहा है चलने देंगे। तो ये वाला अपना रिजल्टेंट और ये टैन अल्फा दोनों निकल गए हैं। तो इसी बात को थोड़ा और
आगे भी बढ़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। इसी बात में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई आर की वैल्यू है, चाहे ऐसा देखते हैं हम लोग कि भाई इफ थीटा इक्वल टू जीरो, मैं ऐसा लिख लेता हूं, ये केस वन है, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री इंप्लाइज एडिंग वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर ये थीटा की वैल्यू जीरो कर देंगे तो कॉस थीटा वन हो जाएगा, रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। कॉस जीरो डिग्री प्लस टू ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इसको आप ए प्लस बी के बराबर ले सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना थीटा इक्वल टू जीरो में रिजल्टेंट विल हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ये होगा कितना, तो आर मैक्स इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो बस ये भी एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। क्या तुमने भी लिख लिया? बहुत अच्छा किया भाई। चलो फिर केस टू लेते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब एडिंग वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू -1, यहां कॉस वो 80 डिग्री लेंगे, यहां -1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां हम लोगों को लेना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस, रिजल्टेंट विल बी मिनिमम, रिजल्टेंट विल हैव मिनिमम मैग्नीट्यूड एंड आर मिनिमम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस।
तो आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। चलो नहीं हो तो एक थर्ड केस भी ऐसे लिख लेते हैं, रिजल्टेंट इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के बराबर होगा। चलो थर्ड लिख लेते हैं, फिर आपकी ये समस्या को दूर किया जाए। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एडिंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कॉस थीटा जीरो होगा, ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बारे में तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नीचे वाले जो दो स्टेटमेंट हैं इनका मामला समाप्त है, इनको मिटा दिया जाए। तो अब मिटा देना चाहिए इसको, yes। और कुछ और बात करनी चाहिए। केस 1-2-3 से हम लोगों ने यही सीखा है कि भाई आप लोग तो फिर एक बात कह सकते हैं ना बड़ी आसानी से कि जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, yes। है ना, कोई भी चीज यही होता है, या तो मिनिमम वैल्यू होगी या तो मैक्सिमम होगा, उनके बीच में होगा। तो मिनिमम होगा अपना a माइनस बी का मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम होगा अपना a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इसी एडिशन की मदद से हम लोग आराम से कह सकते हैं ना कि भाई स्केलर में और इनमें यही फर्क है। स्केलर्स का क्या हिसाब किताब रहता था भाई, स्केलर के लिए अगर आप देखोगे तो उनका हिसाब किताब ऐसे रहता था कि आप सिंपली दो चीजों को बस जोड़ सकते हैं अलजेब्रिकली, यहां पे जोड़ने के अलावा और भी बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि भाई वेक्टर ए इक्वल टू 4 एंड वेक्टर बी इक्वल टू 6 These two vectors are added which of the following may be magnitude of the result। पहला 1 यूनिट, दूसरा 3 यूनिट, तीसरा 6 यूनिट, चौथा 9 यूनिट। टू और थ्री होगा ऑप्शन टू। अरे ऑप्शन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप जितने सारे ऑप्शन इसमें, अच्छा एक ही ऑप्शन है, जो 2 में 3 लिखा हुआ है वो बोल रहा है ऑप्शन 2। अच्छा ऑप्शन 2 में 3 लिखा हुआ है, सही तो है, बस यही आंसर होगा, यस। वाह चलो भाई, ये अपना विद्यार्थी ऐसा कह रहा है तो हम लोग एक बार ट्राई मार लेते हैं। आंसर 3 भी हो 6। हाँ मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, यस। मतलब यहाँ पे जो
तरीका है हमेशा, इसीलिए हम लोग तरीके को मानते चलेंगे। फोर माइनस सिक्स फोर प्लस सिक्स, ये दो से लेके दस तक की सारी वैल्यूज वैलिड है, मतलब तीन भी सही है, छह भी सही है, नौ भी सही है। अगर कभी आपको मान लो पांच ऑप्शन हो, दस दे दिया जाए, ये भी सही है। वन को छोड़ के जितने भी ऑप्शन है सब सही है। वन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू दो से छोटी नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू दो हो सकता है। तो इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है। फिर a इक्वल टू सिक्स, b इक्वल टू टू, दीज टू वैक्टर्स आर एडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग मे के बदले हम लोग यूज कर रहे हैं मस्ट नॉट बी, इनमें से कौन है जो कि आंसर नहीं हो सकता। फिर से लिख लेते हैं, पहला ऑप्शन है टू, दूसरा है फाइव, तीसरा है एट और चौथा है टेन। टू और पहला और चौथा, पहले और चौथे नहीं हो सकते, है ना। एट क्यों भाई, हम लोगों को यहां पे भी तो वैल्यू ऐसे ही रखना है ना, ए के बदले सिक्स, बी के बदले माइनस टू, यहां पे भी सिक्स प्लस टू, ये बन जाएगा कितना, फोर टू एट। अगर ये फोर टू एट है तो चार से छोटा नहीं हो सकता, मतलब हमने मस्ट नॉट पूछा था, ये सही आंसर है, और दस भी नहीं हो सकता, मतलब ये सही आंसर है। तो हमें मस्ट नॉट के लिए आंसर देना है। तो फिर आज के लिए यहीं पे मामले को स्टॉप किया जाए, है ना। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, सुबह कर दिया जाए।